अम्बाला में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया से हमारे सहयोगी रमेश सिंह ने खास बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 70 वर्षों में हरियाणा के हर कोने में पानी पहुंचाने का काम नहीं हो पाया, हमारी सरकार ही अब सारे विकास का काम करेगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करके ये कहा है कि वो समान पानी का बंटवारा करवाएंगे ताकि हरियाणा में हर कोने तक पानी पहुंचाया जाए। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जो जल शक्ति मंत्री वो है, क्या लगता है सर, कांग्रेस कह रही है कि पूरा पानी हर इलाके में पहुंचाएंगे, भाजपा नहीं पहुंचाई, कोई जवाब देना चाहेंगे? देखिए, पिछले 70 साल में तो किसी ने पहुंचाया नहीं और अब पानी पहुंचाने की डिंगे मार रहे हैं। अगर कोई पानी कभी पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचाएगी और हमने तो यह संकल्प लिया है कि 2024 तक हम हिंदुस्तान के 17 करोड़ परिवारों के अंदर जो है, प्रत्येक घर के अंदर जो है, वो नल से जल उपलब्ध कराएंगे। एक बात और, वो कह रहे हैं कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और साथ ही कई लोगों को काफी हद तक पैसे देने की बात करें, 10,000-15,000 रुपए और 5,000 रुपए पेंशन की बात करें, क्या लगता है? देखिए, हमारी पार्टी का विचार फ्री बाई का नहीं है। हमारी पार्टी का ये विचार है कि किसानों को उनकी डबल इनकम करने के लिए कदम उठाए जाएं और जो बिजली पानी सड़क का जो मुद्दा है वो बेहतरीन ढंग से सेवाएं प्रदान कराई जाएं। और अब तक का जो इतिहास रहा है कि जहां जहां पर भी फ्री बाई की में कोई चीज मिली है वहां उल्टे ही रिजल्ट आए। संकल्प पत्र को लेकर कुछ और कमेंट करना चाहेंगे? वो कह रहे हैं हमारा संकल्प पत्र वचन पत्र है और हम ये निभाएंगे आएंगे सर। ऐसे है, झूठ का ढकोसला है और हर बार पिछले 70 साल से झूठ बोला जा रहा है और कुमारी सैलजा को किसी ने नहीं देखा। अब ये है कि पहले कभी यहाँ पर एक बात चलती थी कि जो कुमारी सैलजा निर्मल सिंह की बहुत तगड़ी जो है वो जोड़ी थी, लेकिन आज उस जोड़ी में पता नहीं कहाँ रोड़े अटक गए हैं। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आपने सुना, ये थे रतनलाल कटारिया जी जो साफ तौर पे कह रहे थे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में केवल छल दिखता है, उनको लगता है वो झूठ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जाहिर तौर पे हरियाणा पार्टी अपने घोषणा पत्र को उच्चतम और दूसरों को न्यूनतम मानती है। वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV अम्बाला।